नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको मसाज करने का सही तरीका बताने वाला हूँ, कौन से स्टेप फॉलो करना पड़ता है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस, मसाज यानी सिर्फ चेहरे को क्रीम लगा के घसना ही नहीं होता, उसमें कौन से पॉइंट्स आते हैं और सबसे पहले प्राइमरी डस्ट क्लीन करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है और सेकेंडरी डस्ट क्लीन करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, इस वीडियो में आपको दिखने वाला और किस टेक्निक से करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्टार्टिंग से लेकर तो एंड तक आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको भी पता चल सके कि मसाज क्या होती है। आप सैलून में जाते हो या बहुत बड़े बड़े सैलून में जाते हो तो उसमें कौन से टेक्निक से मसाज करना चाहिए आपको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप जा रहे हो कुछ भी करके दे रहे हो और आप आ रहे हो तो इससे क्या होगा गाइस, आपका पैसा वसूल नहीं होता। तो पैसा वसूल करने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलो दोस्तों, वीडियो को लंबी ना करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मसाज करने का सबसे पहला नियम है गाइस, सबसे पहले जो फोरहेड होता है उसके ऊपर आप फोरहेड बेल्ट लगा लो। सबसे पहले मसाज क्रीम अप्लाई नहीं करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। अभी हम ये क्लिंजिंग मिल्क अप्लाई कर रहे हैं। क्लिंजिंग मिल्क लगाने के बाद गाइस, खाली 2 या 3 मिनट हमको चेहरे का अच्छे तरीके से नरिशिंग करना है, जैसे कि आपको दिख रहा है मैं किस टाइप से नरिशिंग कर रहा हूँ। हल्के हाथों से आपको क्लिंजिंग मिल्क को चेहरे पे 2 या 3 मिनट तक ही, 2 मिनट होने के गाइस कॉटन से आपको जो क्लिंजिंग मिल्क चेहरे पर जो लगा है उसको रिमूव करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव करने के बाद थोड़ा पानी मारना है चेहरे पर, पानी मार के टॉवल्स जो हमारा टॉवल होता है उससे पूरा चेहरा क्लीन कर। मिल्क होने के बाद गाइस जो सेकंड स्टेप आती है गाइस होता है वो होता है हमारा मसाज क्रीम। जैसे कि मैं अभी मसाज क्रीम अपने हाथ पे ले रहा हूँ, तो ये जो मसाज क्रीम होता है गाइस सेकेंडरी डस्ट रिमूव करने के लिए होता है। थोड़ा क्वांटिटी में पूरे फेस पे आप अप्लाई कर दीजिए, थोड़ा पानी लगाने के बाद गाइस थोड़ा सा क्रीम एब्जॉर्ब होने के लिए हल्के हल्के हाथों से चेहरे पे हाथ घुमाएं। ये पॉइंट की गाइस, अब आता है पॉइंट का बात। तो गाइस क्या होता है, किसी किसी की स्किन होती है बहुत लूज़, तो मसाज में क्या होता है स्किन टाइटने का भी काम करते हैं। जब हमारी स्किन लूज़ हो जाती है बहुत सारी, तो उसको टाइटनिंग के लिए हमारे को पॉइंटेड मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहे हो, फोरहेड पे दोनों उंगलियाँ लेके हमारी जो चारों उंगलियाँ जो जॉ लाइन पे है, जॉ लाइन को ऊपर के डायरेक्शन पे हमारे को लेके हुए आना है प्रेशर की मदद से। उससे क्या होगा गाइस, जो कस्टमर होता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होती है और पॉइंट में पूरे अच्छे खासे दब जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा खासा हो जाता है। वो पांचों उंगलियों का इस्तेमाल करना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो नोज़ के बाजू में लाके हल्का सा प्रेस करके और उसके बाद होठों के थोड़ा नीचे आके उसको प्रेस करके हमारे जॉ लाइन होती है उसको दबा के कानों के पास लाना है। सिंपल है गाइस, बहुत आसान होता है, बस इसी मेथड का हमारे को यूज़ करना है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो हमारे मसाज पूरा तरीके से हो चुका है। अभी कॉटन से इसको हल्के हाथों से पूरा जो क्रीम जो लगाया है फेस के ऊपर उसको पूरा हल्के हाथों से निकाल देना है। फिर स्प्रे करके हल्के हाथों से जो टॉवल होता है उसकी मदद से पूरा चेहरा एक बार पोंछ लेना है। मसाज पूरे होने के बाद गाइस किसी के पास ये जो रोज़ वाटर जेल होता है वो होता है किसी किसी के पास और किसी के पास नहीं होता है। तो गाइस अगर आपके पास अगर अवेलेबल हो तो फेस पे अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये टोनर का काम करता है। तो जैसे कि मैं अपने क्लाइंट के लिए ये जो प्रोडक्ट है ऑनलाइन मंगाया था, तो ये मैं हमेशा रखता हूँ अपने पास और थोड़ा क्वांटिटी में ही लेके उसको चेहरे पे लगा के छोड़ देना है मसाज होने के बाद। तो गाइस हमारी अभी अच्छे तरीके से मसाज पूरी हो चुकी है। मसाज का मतलब ये नहीं होता गाइस कि चेहरा चमकाना, जैसे हम बॉडी की मसाज करते हैं उसी टाइप हम फेस की मसाज करते हैं, उसी को कहते हैं गाइस फेस मसाज। तो आशा करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइस पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले हमारे इस चैनल को।